आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में अन्य दिनों की अपेक्षा सोमवार को कोरोना संक्रमित मरीज काफी कम मिले हैं, जिससे प्रशासन सहित जिले के लोगों ने राहत की सांस ली है। सोमवार की देर शाम आई मेडिकल रिपोर्ट में जिले में 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जिससे ज्यादातर मरीज के कॉन्टेक्ट में आने वालों की रिपोर्ट ही पॉजिटिव आई है। वहीं एक बार फिर सतना से रेफर होकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक दिन पूर्व ही भर्ती की गई 85 साल की बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सतना से बुजुर्ग महिला को रविवार को गंभीर हालत में रीवा रेफर किया गया था, जहां संजय गांधी अस्पताल में पहुंचने के बाद बुजुर्ग महिला को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर दाह संस्कार के लिए नगर निगम कर्मचारियों को शव सुपुर्द कर दिया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर एमएल गुप्ता के मुताबिक जिले में नए 19 केस सामने आए हैं, जिसमें शहर में 6 केस हैं, जबकि गोविंदगढ़, मऊगंज, देवथर, सिरमौर में 3-3 केस नए सामने आए हैं। सभी को कोरोना केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक 1826 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 1599 है और वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 199 है। इस दौरान जो सबसे राहत भरी बात यह रही है कि पहली बार जिले में एक साथ 85 संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिन्हें उनके घर भेज दिया गया है, जबकि इससे पहले अधिकतम एक दिन में 65 मरीज ठीक होकर अपने घर गए थे। कलेक्टर लैया राजा टी ने जिले में 3 नए कंटेनमेंट एरिया घोषित किए हैं।